आज एक टेस्ट अपनी इसलिए कर रहे हैं और साढ़े जोड़े लीडर है जी अपनी टी आर पी वधाने पीड़ित लोगों गुमराह करते हैं अच्छे पुलिस से अपना प्रेशर बना के कि गनमैन लैन के लिए ज निजी फायदा लैन के लिए उन्होंने गुमराह करके वो अपना लाभ उठाते हैं अच्छे लोगों उन्होंने रुलन के लिए सट देंगे अच्छे कई प्रकार दठिया मारते हैं सरकार जो कि पास्ट साहबान है बिस्ट साहबान है उन्होंने भला बुरा बोलते हैं गाली गलोच करते हैं उन्होंने असी प्रशासन चाहते हैं कि एफ आई आर लॉन्च की जाए सख्त तो सख्त एक्शन लै के उन्होंने जल्दी तो जल्दी जेल दिन सलाघा के पिछले सुटिया जाए ता कि ऐसे जेडे जेडे सुरपोर चंबड़िया हो ऐसे लीडर उन्होंने मसीह समाज में छुटकारा मिल सके। पूर्ण सफरी चेयरमैन आल इंडिया क्रिश्चन समाज भलाई दल मेरे नाल जग्गा मसीह प्रधान मसीह एकता संघर्ष कमेटी पास्टर निर्मल पदरी जी विश्व लाल मसीह जी पास्टर वसन जी पास्टर जूनस मसीह जी होर बड़े सत्कारयोग साथी सब तो पहला मैं ताड़ा मीडिया कर्मचारियों का भी धन्यवाद करदा कि लंबे समय तो असी वेट कर रहे सी। मैं दसना चाहना कि गुजरे दिनों दे विच एक घटना जिहड़ी वापरी आ एस पी हैडक्वाटर साहब भैन जसवंत कौर जी जिहड़े प्रभीष मसीह नूं जिन्हां ने मुक्तिदाता मन्निया सानू उन्हां ते बड़ा माण आ। जॉन कोटली नाम का व्यक्ति जिहड़ा धरना लाउण दे नाम ते जिथे पीड़ित परिवारां नूं गुमराह करता उत्थे पुलिस ते दबाव बना के वह गनमैन लैण की मंग करता जिहड़ी कि आडियो जिहड़ी तुहानूं पेश कर दित्ती जाऊगी। मैं भी दसना चाहना कि जदों मसीह लोगों नूं लोड़ पैंदी है 27/9/2022 नूं एक धरना लिखिया सी डड्डूवाने विषय से ते तरन तरन पट्टी के विषय से उहदे विच जॉन कोटली ने उह धरने का विरोध किया ही लोगों नूं डकिया सी पर अपनी झूठी शान बनाउण दे लई उह मुद्दा वह बार बार चुकदा वा। इह सलोमी का मामला भी 15 तरीक नूं मैं तुहानूं अखबार की कटिंग दिखा दिंदा इहने 15 तरीक नूं धरना एलानिया सी मुड़ के कितें ना कितें इहनूं आस सी कि शायद मैनूं गनमैन मिल जाणगे तो वह धरना जिहड़ा इहने कैंसल कर दिता ते उस तो बाद जिहड़ा इन्हां ने जिहड़ा धरना सिर्फ सियासी रोटियां सेकण दे लई लाया क्योंकि उस नोमी केस दे विच पुलिस ने साडे बेनती ते पहलो एफ आई आर दे विच एक व्यक्ति सी दो व्यक्तियों का होर वाधा किया इन्हां ने धरना ला के उस सुनोमी पीड़ित परिवार नूं जिहड़ा उहदी सिट बिठा के वह उन्हां दी गिरफ्तारी दोषियों की लटका दित्ती वो जिहड़े इस टाइम बड़े दुख दे विच आ सिर्फ तो सिर्फ यह सियासी रोटियां सेकण लई अपनी टी आर पी वधाउण दे लई ये काम करते आ लोगों की अखां दे विच कट्टा पाउंदे आ तो गुमराह करते। मैं चाहना कि जेड़े इत्थे परचे होए आ जां साडे पास्टर साहिबानां नूं बिशप साहिबानां नूं इन्हें उन्हां दे सान दे खिलाफ़ बोलिया वा माता मरियम जी दे सान दे खिलाफ़ बोलिया वा उहदियां कोल एप्लीकेशन दित्तियां सी थाने जंडियाले नूं उहदे भी तुरंत एफ आई आर जिहड़ी लॉज होवे अते इहदी तुरंत गिरफ्तारी पए ता कि लोगों के सामने सच आ जाए भी कौन जे कौम की अगवाई करने वाले सच्चे लीडर आते कौन कि दगाबाज या धोखेबाज कार्रवाई नहीं करेगी तो असी मजबूर होवे असी इस खिलाफ सड़क के उतरने लिए मजबूर होवे कि कुछ 10-15 दिन का वक्फ देंगे असी पुलिस प्रशासन के सीनियर अफसर न मिलेंगे तो सानू भरोसा वा कि सानू इंसाफ देंगे जे सानू इंसाफ ना मिलेगी तो सानू मजबूर जोड़ा वा ये शरारती व्यक्ति जिहड़े धोखेबाज व्यक्ति आ जिहड़े अपनी टी आर पी वधाउणा चाहुंदे उन्हां दे खिलाफ़ सानू सख्त एक्शन लै के सानू सड़कां ते उतरन लई मजबूर होना पऊ। सब तो पहला मैं धन्यवाद करदा हां सफरी साहब जी का पास्टर जी का और मीडिया कर्मी जिन्हें भी मेरे भरा इत्थे सामल लेंगे अज जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस अमृतसर दे विच असीं कर रहे हैंगे ये एक जिहड़ी हैगी एक इंडिविजुअल परसन हैगा जिहदे बारे साडे वीर इकट्ठे होए नेगे बट मेरे जिहड़े विचार नेगे वो कुछ अलग ने। जिस तरह पास्टर जी होना ने दसिया कि ये जिहड़े पंजाब दे प्रधान लाउंदे नेगे ये अपनी मर्जी दा वीरों नहीं गे लगते। फस्ट ऑफ ऑल मैं दसा कि एवरीबडी इज़ ए नॉट सेम सारे पास्टर जिहड़े नेगे वो पढ़े लिखे नहीं गे हुंदे ते सारे लीडर भी पढ़े लिखे नहीं गे हुंदे। मैं टोटली कंडैम करना वागा इन्हां बयानां नूं क्योंकि मैं 7-8 साल तो कम्यूनिटी के विचर रहा वागा कोई भी जगह इहो जी नहीं आ जिथे आप विजिट नहीं गा किया जिथे आप पास्टर साहबाना दे नाल खड़े हैंगे उत्थे हर मसले के जिहड़ा वागा साडी मसीह एकता संघर्ष कमेटी जिहड़ी हैगी वो जिहड़ी हैगी डट के जिहड़ा वागा वो साथ देंदी है मसीह भाईचारे का चाहे वह मसला जिहड़ा मर्जी होवे
अज मसला जिहड़ा जोन कोटली दा वागा वो मसला साडे सारे पंजाब दे ईसाइयों नूं पता हैगा, ना आपां किसे दे पक्ष दे विच आं ते ना आपां किसे दे खिलाफ आं। आपां उन्हां बंदियां दे खिलाफ आ जिहड़ा कम्यूनिटी नूं गुमराह करदे ने गे, जिहड़े कम्यूनिटी का नजायज़ फायदा चुकदे ने गे, जिहड़े 10 बंदे इकट्ठे हो के कहण के पूरा भाईचारा मेरे नाल आ ते उह बंदा गलत होए ते भाईचारा कदी वी उहदा साथ नहीं देवेगा। सारे पास्टर साहिबान जिहड़े ने गे बड़े सत्कार दे योग ने। उस बंदे ने गे जिहड़ा जा पुत्र बाणी नूं जिहड़ा वगा वह परमेश्वर दीआं सिक्ख्यावां नूं जिहड़ा वगा बिल्कुल जिहड़ा उन्होंने खूंजे टंग के सिक्के टंग के जिहड़ा वगा पंजाब दे विच की होरनां स्टेटां दे विच ही प्रचार कर रहे ने जो कि एक गलत मैसेज है। अज मैं अमृतसर के इस कॉन्फ्रेंस हाल के एक मैसेज देना चाहना कि मसीह भाईचारे के जिन्हें भी लीडर ने गे ये अपने पैरों उत्ते खड़े हो जाएं, अपनी पहचान दसन कि अभी भी भाईचारे वास्ते खलोने गे। मैं पास्टर साहबानों भी बेनती करता वागा जेडे सैकलों पर मोटरसाइकलों के उत्ते हर उस एरिए दे विच जाके पवित्र बाणी दा प्रचार करदे ने कि असीं उहनां दे नाल खड़े हाँ। और जिहड़े लीडर साहिबान धार्मिक गुरु पवित्र बाणी दे खिलाफ़ हो के प्रचार कर रहे हैंगे असीं उहनां दे बिल्कुल खिलाफ़ हाँ। आने वाले टाइम दे विच भी जिहड़ा वागा इस तरह असीं कॉन्फ्रेंसां करके जिहड़ा जिन्हें भी मसले ने गे उहनां दे उत्ते विचार वटांदरा जिहड़ा वागा कीता जाएगा। धन्यवाद जी। मेरा नाम पास्टर निर्मल है और मैं पिंड चिंतकोट चचला ना, और मैं पिछले दिनों जॉन कोहली के नाल पास्ट साडे बहुत ही मानयोग रोहित खोखर जी मेरे भरा ने असी सारे इकट्ठे गए सीगे धरने दे उत्ते, और उत्थे भी इदां ही पवित्र बाइबल नूं लैके कुछ गल हो रही सी ते उत्थे इन्हां ने मरियम के बारे एक शब्द बोलिया सी कि मरियम नूं इन्हां धक्के ना ये कैथलिक मिशन ने बाइबल दे विच ठोसिया वा, इदां दा शब्द जिहड़ा यूज़ किया साडे दिल नूं बड़ा मेरे धार्मिक भावना बड़ी ठेस पहुँची आ। दूसरा नंबर इस मुद्दे में लैके फिर काफ़ी साड़ी इहदे नाल विवाद शुरू हो गया मेरा, जिहदे नाल बहुत मना करने के बावजूद भी इन्हां साथियों ने भी रोहित खोखर जी ने और भी टोनी प्रधान जी उन्होंने मना किया, पर इन्होंने बहुत गंदी गाली गलोच इन्होंने किया और पेंतीकोस्टल पास्टरों का नाम लैके इन्हें गाला कढ़िया ने, और इन्हें बहुत गंदे शब्द यूज़ किए ने, और मैं ये बारे पुलिस को एप्लीकेशन दिती आ कि प्लीज़ मैनू इस चीज़ का इंसाफ दवाया जाए। तो मैं बेनती करना कि ये जो भी कानूनी बनती कार्रवाई आ और की जाए, नाल दी नाल मैं अपने 35 पास्टरों को बेनती करता वा कि इस ऐसे बंदियां नू जिहड़े गंदे बंदे आ इहो जिहां नू स्टेज ते चढ़ाना बंद करो, क्योंकि जिन्हां ने सिर्फ प्रधान ही है, प्रधान कादे आ ना इहनां नू बाइबल पढ़नी, ना इहनां ने दुआ करनी, ना इहनां नू बाइबल दी नॉलेज, तो ये उठ के पास्टरां दे प्रधान बनते हैं, 35 पास्टरां दे प्रधान बनते हैं। तो मैं बेनती करांगा कि 35 पास्टरां नू भी अपने अपने लिए आपां उह प्रधान नू नियुक्त करिए जिहड़ा सची मुची परमेश्वर के पवित्र वचन तो डर के परमेश्वर के पूरे वचन बाइबल के अनुसार चले, और यह नहीं कि साडे प्रधान जिहड़े होण जिहड़े गाली गलोच ठग चोर गाला कढ़न वाले हैं धक्के करन वाले, इदां दे सानू प्रधान नहीं चाहिए। मैं अपने 35 पास्टरां दे घड़ी बेनती करदा वा कि मेरे तो भी 30 पास्टर मेरे नाल सेवकी कर रहे हैं जिन्हां दा मैं लीडर हाँ, और मैं सारे अपने पास्टरां दे समेत ही इतों मीडिया के माध्यम तो मैं बेनती करदा कि इहोजे पास्टर नूं स्टेज ते चढ़ाउणा भी पाप है। तो मेहरबानी करके मेरी सारे पास्टर साहिबान भी मेरी गल नूं सुन, और साडे मानयोग बहुत ही रिस्पैक्टड प्रभु दे दास पास्टर इमैनुअल बिशप जी उन्होंने खिलाफ़ भी इन्होंने बड़ी उन्होंने शान के खिलाफ़ इन्होंने बड़ा बोलिया, और नाल दी नाल ही इन्हें गंदियां गालों का भी प्रयोग किया उन्होंने उत्ते भी। एक साडे बजुर्ग ने और बहुत आदरयोग ने पवित्र बाइबल नूं बाइबल के प्रचारक ने, और उन्होंने पक्षों भी साडे मन बड़ी ठेस पहुँची आ। तो मेरी बेनती है कि सानू जिहड़ी मैं एप्लीकेशन दी पुलिस नूं, और हाँ जी ये जंडियाले थाने दी मैं, तो मेरी जल्दी तो जल्दी ये मैनू इंसाफ दवाया जाए। ये आप ही जान के उन्होंने स्टेटा ज्यादा बेंदे है, तो वह बेचारे पिंडा सेवकी करते उन्होंने हेल्प वास्ते जाते, बट ये असल में उन्होंने कई मदद की नहीं इन्हें कोई अजे तक, तो इन्होंने ही लाने चाहते हैं अपने अपने 35 पास्टर में भी 35 पास्टर हाँ, असी इन्हों अपना प्रधान नहीं मानते, असी अपने प्रधान अभी जिते इन्नी दुनिया में पब्लिक में डील कर रहे हैं असी होर भी काम डील कर लेंगे सानू आते हैं। मेरा नाम जॉन कोटली है। जिहड़े भी लोगों ने इल्जाम लगाए ने वो अज प्रशासन के हत्थां की कठपुतली बन के रह गए ने, प्रशासन ने
उन्होंने खरीदया होया है। और जेड़ी जेड़े शब्द प्रशासनिक अधिकारी एस पी हैडक्वाटर देहाती श्रीमती जसवंत कौर जी लगा रहे ने, ये शब्द इन्हां जेड़े विकाऊ लोगों के नहीं है, बल्कि ये शब्द जेड़े है एस पी हैडक्वाटर श्रीमती जसवंत कौर जी दे ने। क्योंकि मैं दसना चाहना कि अज तो 10 महीने पहले डड्डूवाने विखे साढ़े चर्च के उपर जे शरारती लोगों वालों जो हमला कर दिता गया सी, उहदी आवाज़ मैं तगड़े तौर पर चुकी सी। और भैन जी ने कहा सी कि वो व्यक्ति जिहड़ा बाबा मेजर सिंह मेरा रिश्तेदार है, वो बहुत गुड बंदा है, वो बहुत चंगा बंदा है, तू इहदी आवाज़ नहीं चकनी। और साढ़े पास्टर जी ने और सानू भी बहुत तगड़े तगड़े लालच दिते गए, जदों असी उस लालच नू ठुकरा दिता उदों तो ये जड़े मेरे नाल जिहड़ी आ खारखानी चालू हो गए। और वो नाल नाल लड़ीवार काम इदा हो गया कि साड़ी एक मसीही लड़की जिहड़ी सलोमी सी उहदा बलात्कार करन दे बाद 3 व्यक्तियों वालों जिहड़ा मर्डर भी कर दिता गया। और सिर्फ एक व्यक्ति के उपर जिहड़ा एस पी हैडक्वाटर जी ने परचा दर्ज किया, 2 व्यक्तियों नूं खुले छड़ रहे से। मैनू नहीं पता उन्हां को उन्हां दे नाल की इन्हां दी सांझ सीगी, क्योंकि नॉर्मली जदों कोई किसी का कतल हुंदा जिन्ने लोगों के खिलाफ़ बयान दिते जांदे ने उन्हूं इमीजिएटली परचे दे विच उन्हां नूं इनवॉल्व कर लिया जांदा, बाद च इनकुआरी दे विच जो मर्जी हुंदा रहे। पर सानू धरने ला के मुजारे कर करके धुप्प दे विच सड़ी हुई सड़क के उपर बैठ के धरना लगा के उन्हां 2 व्यक्तियों नूं विच शामिल करवाउणा पिया। और जदों असीं ये भी आवाज़ चुकी उत्थे भी ये भैन जी नूं जिहड़ी है साडी आवाज़ चंगी नहीं लगी। कुल मिला के कह सकते हैं कि मसीही कौम की लीडरशिप की आवाज़, मसीहीयत की आवाज़ नूं दबण लई कुचलण लई उन्हूं सिरे तो उस जिहड़ा साडा गला दबाउण लई साडी कौम की आवाज़ नूं जिहड़ी आ बिल्कुल दफन करन लई जिहड़ा ये सिरे तो एक तरफा जिहड़े काम कर रहे ने एस पी हैडक्वाटर। ये जिहड़े लोग जिहड़े साडे ते इल्जाम लगा रहे ने इन्हां लोगों की, मैं समझदा कि इन्हां लोगों का अपना तो कोई वजूद है नहीं है, ना ये जिहड़े धार्मिक ने ना ही राजनीतिक ने, तो अपने आप ही कोई चेयरमैन बनया आ, कोई अपने आप ही कोई कुछ बनया, कोई कुछ बनया आ। चलो मैनू ये कोई लेना देना नहीं, मेरा तो मुख मकसद यह आ कि जिथे जिथे मेरी कौम नाल धक्का होगा मैं उत्थे बोलांगा, जिथे जिथे प्रशासन जिहड़ा सानू इंसाफ नहीं दूगा साडी समुची टीम बोलूगी। दूजी गल यह आ कि कहिंदे जी प्रधान असी मानते नहीं आ, मैनू इन्हां दे मनण या ना मनण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं ऑल इंडिया क्रिश्चन दलित फ्रंट का सूबा सीनियर मीत प्रधान आ और मैं पिछलियां सरकारां दे अंदर संविधानक अहुदिआं उपर भी रहा आ, इस करके मेरा समाज मैनू प्यार करदा आ, क्योंकि मैं हक सच की लड़ाई हमेशा हक सच की आवाज़ नूं बुलंद करदा आ। चाहे वह वास्ते मेरे से 1 परचा 2 परचे जिन्हें भी परचे दर्ज कर देंगे मैनू परमेश्वर उन्ना ही उच्चा करेगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की सच्चाई की आवाज़ चुकदा, अपने धर्म की आवाज़ चुकदा, अपनी कौम की आवाज़ चुकदा आ, चुकदा सी चुकदा हाँ तो चुकदा रहांगा। थोड़ा जड़ा बिल्कुल बेबुनियाद आ जिदे को मैं पैसे ले या तो वह कंप्लेंट करे मेरी, जब उन्होंने कोई तकलीफ नहीं है तो इन्हों की तकलीफ हैगी। हो सकता है मैं उसके कोलो उन्हें मेरे को उधार ले और उन्होंने वो वापस किए हो, या हो सकता साडा कोई आपसी जिहड़ा लैन देन हो, हाँ जी, तो उहदे विच किसी की इतराज आ। ये जिहड़े आ ये सिर्फ तो सिर्फ जिहड़े प्रशासन के हत्थां की कठपुतली बन के, जो क्योंकि प्रशासन हमेशा चाहुंदा है चाहे वह किसी भी जड़े भाईचारे के लोग होन, प्रशासन कदे नहीं चाहता कि ये एकजुट हो जाण, ये 2 फाड़ हो के रहन ताकि कोई धरने मुजाहरे ना करे, ताकि वड्डे इकट्ठा के रूप के जड़ा है धरने मुजाहरे करके आवाज़ा बुलंद ना हो। प्रशासन की एक चाल होंदी आ कि हरेक भाईचारे तोड़ो पाड़ो तो राज करो। आम जड़े मेरे उपर लगाए गए ने वो जड़े आ मैं समझदा कि बेबुनियाद आ, निराधार आ, इन्हां दे उपर कोई भी इन्हां दे विच कोई भी एविडेंस नहीं आ। जिहड़े भी जिहड़े कि कहा गया कि मेरे नाल लड़ाई हुई वो साढ़े दिल्ली कुंडली बार्डर के उपर जरूर असी धरने च गए सी, उत्थे साडी एक दूजे नाल बहस हुई, वो कोई माइनर गल सीगी, ते जे उहदी कोई कंप्लेंट देनी है तो दिल्ली जाके कुंडली बार्डर ते दे देण। और जिहड़े नाल 2 गवाह सी इस गल दी वो भी गवाही देणगे कि साडी बहस मामूली हुई है, ते वो जिहड़ी कुंडली बार्डर के उपर दिल्ली के उपर जिहदा ना ते कोई इहनां कोल एविडेंस है ना ही उहदा कोई सबूत ते प्रूफ है। इस ये जड़ी है फिर मैं कहना कि प्रशासन जड़ा है, प्रशासन ने शब्द इन्हों के मूँह च पाए आ, ये साढ़े प्रशासन साढ़े भाईचारे 2 फाड़ करना चाहते ने, ये अपने छोटे छोटे जड़े आ कमीने लालचा की खातर प्रशासन के हत्थों की कठपुतली बन के जड़े आ वो खेड रहे हैं।
प्रशासन इन्हों अपने उंगलियों के नचार है, लेकिन वो परमेश्वर और साडा मसीह भाईचारा इन्हों कोझियां चालों कभी सफल नहीं होन दूगा। साडा समाज एकजुट सी, एकजुट है और एकजुट ही रहेगा। और आन वाले समय के देखोगे कि हज़ारों की गिनती के जो प्रदर्शन पूरा समाज करेगा अपने आप ही जड़ा इन्हों के मूँह ताला लग जाऊ। मैं बिल्कुल ये मानहानि के केस जड़े जड़े लोगों ने बेबुनियाद निराधार जिहड़े मेरे ते इल्जाम लगाए ने, इन्हों मैं कोर्ट के जरूर इन्हों लैके मानहानि का दावा जरूर बहुत जल्दी तो जल्दी मैं उत्थे दाखिल कराँगा। जी उन्होंने एलीगेशन लगाए है जोन कोटली के, जोन कोटली वालों कहा गया वा कि ताडे इशारियां ते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखो जी मेरा तो इन्हों है ना, मेरे को सारी पब्लिक ने आना तो जाना, मेरे कोई भी आएगा मेरे वास्ते कल्ला मसीह भाईचारा नहीं, मेरे को हर धर्म के ही लोग आते हैं। तो हर एक दी मैं गल सुनती हाँ और कंप्लेंट लैके आते, मैं मार्क करती, मैं सुनवाई करती हाँ। बाकी रह गई गल जोन कोटली की, उसके खिलाफ़ एक FIR दर्ज हुई है जिदे कि उन्हें गनमैन लैन की खातर मेरे खिलाफ अपशब्द बोले सीगे, वो मेरे सीनियर ऑफिसर वालों खिलाफ़ परचा दर्ज किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना मेरा कोई मतलब नहीं है।